अंकल कैसे हो आप? ठीक हो अंकल? मैं ना एनजीओ से आई हूँ और हम लोग ना लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं सबकी। तो आज मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आप रिक्शा चलाते हो, इतनी मेहनत करते हो, रिक्शा इतना भार उठा के लोगों को खींच के लेके जाते हो और फिर भी लोग आपसे बार्गेनिंग करते हैं, आपने देखा होगा है ना। यहाँ से आपको जाके 50 के 60 देने हो तो बोलते हैं 30 ले लो 20 ले लो 25 ले लो, क्यों करते हैं ऐसा? तो मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ। आप पहले ये बताओ आपके घर में कौन कौन है? 6 लड़के हैं। अच्छा, और 6 लड़कियाँ हैं, उनकी शादी भी करनी होगी आपको, 3 रह रहे हैं। तो अंकल आप कैसे मैनेज करते हो, पूरा दिन रिक्शा चलाते हो आप, इतनी मेहनत करते हो, इस एज में भी आप मेहनत करते हो ना, सैल्यूट है पहली बात तो आपको। मजबूरी है, करना पड़ता है, मजबूरी है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। और आपकी अभी बेटियों की शादी भी करनी होगी, उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। तो अंकल आपका घर खर्चा पानी कैसे चलता है, मैं वो जानना चाह रही हूँ आज। इसी तरह कमा कमा के खर्चा पानी चलाते हैं। आप कितना कमा लेते हो महीने का, दिन का कितना कमाते हो? महीने का 10,000 रुपये बचाते हैं। 10,000 रुपये, और 10,000 में पूरा घर चलाते हो। अच्छा, आपके बच्चे हैं जो, 3 लड़कियाँ हैं आपकी, वो पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं? दो पढ़ते हैं और एक अभी छोटी है तो कभी जाती है कभी नहीं जाती है। नहीं जाती तो उनके स्कूल का खर्चा पानी कैसे हो जाता है, मुश्किल होता होगा ना? ज्यादा नहीं पढ़ा पाता था, कोई 8 तक, कोई 10 तक, इतने पढ़ा। मेरे को ऐसा लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आप लोग हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो। और मेरे को इस चीज पे बहुत गुस्सा आता है कि लोग आपसे फिर भी पैसे तुड़वाते हैं, 10 रुपए कम कर लो, 20 रुपए कम कर लो, क्यों करते हैं ऐसा? क्या करे भाई साहब, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में आके, फिर भी वो लोग पैसा तुड़वाते हैं, 10 रुपए कम कर लो, 20, क्यों करते हैं ऐसा लोग? मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, आप इतने दुखी हो अंदर से, गरीबी वाली जिंदगी आप लोग ऐसे जी रहे हो और फिर भी आपके फेस पे इतनी अच्छी स्माइल है। इंस्पायर होना चाहिए आपसे तो लोगों को ना, जीना सीखना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारते फिर भी जिंदगी जीते हो। अच्छा, मैं ना एनजीओ से आई हूँ, मैं ना आपकी छोटी सी मदद करना चाहती हूँ, ज्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन आप ना एक काम करो, आप ये थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, आप ये रख लो, ठीक है? ये थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, आप प्लीज़ इनको रख लो, मना मत करना, ठीक है? और क्या करोगे इन पैसों का? क्या करते हैं, बस वही ज़्यादा घर खर्च दे देंगे, और क्या करेंगे? पता क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? और मतलब आप लोगों की जो सिचुएशन है ना, मैं देख के मेरे को बहुत बहुत फील होता है कि लोग क्यों करते हैं आपसे बार्गेनिंग। आप पूरा दिन रिक्शा चलाते हो, पूरा दिन आप, सारा दिन आप काम करते हो, इस उम्र में आप काम कर रहे हो, हिम्मत नहीं हार रहे हो, फिर भी लोग पैसे तुड़वाते हैं। ये रखो आप, ठीक है? आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, आपकी बेटी, ठीक है? ये रख लो, तुम्हारे बराबर है। हाँ, मेरे बराबर है ना, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी 6ठी बेटी हूँ, ठीक है? ये रखो और परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बच्चों को पढ़ाना, उनको बड़ा करना, ताकि कल को उनको किसी के आगे ना झुकना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े कि हमें पैसा चाहिए, खुद अपना कमाए वो खुद खाए, ठीक है? आप कुछ बोलना चाहते हो? और आशीर्वाद तो दे ही सकते हो। ठीक है,